तो आज जारी है गांव से एक बारात, मतलब इसमें है जाने का वो मजा किसी में नहीं। ये रोड की हालत इतनी बेकार है और खाने में लगी हुई है काफी भीड़। पसीने के लो हुए इसी तरह स्पीड देख लो भाई 120 के पार है। बखाल से देखिए सूरी भाई अपना गाड़ी चला रहे हैं। तो निकल दूंगा। अरे कोई बात नहीं, हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जा रही है गांव से एक बारात जो कि जा रही है गैरसैंण, और हम लोग तैयार होकर आ चुके हैं रोड पे। ये है दूल्हे की गाड़ी और बारात भी आ गई है नीचे, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे हमारे दूल्हे भाई सोनू भाई, हमारी तो गाड़ी नहीं आ रखी अभी। हम जा रहे हैं आज भरत भाई की गाड़ी में, भरत भाई की अल्टो 800 में। दूल्हे के भाई भी घूम रहे हैं यहाँ देखो। तो फटाफट गाड़ी निकालनी पड़ेगी इनको, क्योंकि जाम लग रहा है काफ़ी तगड़ा। कल इलेक्शन के लिए गाड़ियाँ भी जा रही है ना काफ़ी सारी, इस वजह से भी। हमारे हनी भाई भी चले गए हैं। दोनों तीनों भाई देखो अंदर बैठे हैं अभी, इनको मिलेंगे हम बारात में वहीं। ठीक है चलो ओके। बारात तो चली गई है, बट हमारी फरारी ये देखिए, ये रही हमारी फरारी। इसमें जाएंगे हम सभी भाई लोग, मतलब इसमें है जाने का वो मजा किसी में नहीं। ये देखिए अभी हम लोग सभी भाई लोग इसी में जाएंगे। इसको हम चलाएंगे, कितने की स्पीड चलाएंगे पप्पू भाई? 80 तो चलेगा ना। ना 80 यार भाई, 80 बेइज्जती हो जाएगी गाड़ी की। इसको चलाएंगे हम करीब अभी 120 130 140 की स्पीड पे, ऐसी रोड पे। वो भी देखो अभी देखना, मैं बैठूंगा ना चलाऊंगी अभी। बारात भी उधर पहुंच गई है, देखो वहां चली गई गाड़ी, यहां सभी के सभी। और गाड़ियां भी काफ़ी सारी है, 20-22 के आसपास तो गाड़ियां ही हैं। और ड्राइवरों की कमी नहीं है आज, अंधाधुंध ड्राइवर है हमारे भाई। मैं गाड़ी चलाता हूं, सूरी भाई गाड़ी चलाते हैं, पप्पू भाई गाड़ी चलाते हैं, रब्बी भाई गाड़ी चलाते हैं, और भरत तो चलाते चलाते एक नॉन ड्राइवर हमारे पास नवीन है। तो नमस्कार भाई, हम आपको दिखाते हैं देखो हमारी फरारी। भाई लोग हमें इसमें कितने हैं, 1, 2, 5 पैसेंजर हैं। गाड़ी को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। भाई इनके बिहार नहीं हूँ भाई, देख रिस्पेक्ट। अगर मारुति कंफर्टेबल गाड़ी है ये है इसका, इसको अगर खींच लेंगे तो ये गाड़ी 200 के पार जाती है। टॉप गियर वाला है सिस्टम, ये सिस्टम इसमें चार्जर हो गया, ये बॉक्स हो गया। तो चंदा दस गियर है इसमें, प्लस एक रिवर्स है, ये ऑटोमेटिक है। शीशा देखो अपना ऊपर ऊपर चलेगा, देखो जरा भी ये पांच अपने आप देखो, शीशा अपना ऊपर चलेगा ना, देखिए अपना नीचे बटन सिस्टम है एकदम तगड़ा। और आगे हमारे भरत भाई देखो, अब हम बैठ रहे हैं खोपचे में। तुम ही रूम पार्टी एक बार जान भी पहले बंद कर दे जान। अरे ये देखो क्या पूरा लॉन्ड्री लगा है, ये भी नहीं है। तुम ये जान देखो पूरा, मतलब इतनी जगह हो रही है कि अभी 3 और आ सकते हैं इसमें, पूरी फुल जगह है भाई। फिर से हम आए हैं मनीष की दुकान में, महलचोरी में। यहाँ से आता है तगड़ा व्यू एकदम। जय श्री राम। हवा तो काफ़ी सही चलती है। तो दुनार घाट से हमने ले लिया है कट, हम जा रहे हैं अभी मटकोट साइड। मटकोट वो पूरा नाम क्या है, मटकोट और पंजाना मटकोट। रोड देखिए काफ़ी कच्ची है इधर की। हमारे रब्बी भाई काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं, तो हौले हौले ले जा रहे हैं एकदम। तो देखो चढ़ाई है, प्लस में इतनी ख़राब रोड है, कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो सरकार ऐसे जो लाश लाश इलाके होते हैं गढ़वाल साइड के या कुमाऊँ साइड के, तो इन इलाकों में काफ़ी कम आती है। आती है तो इलेक्शन के टाइम पर आती है, वोट मांगने, वोट बैंक बनाने, वरना इन इलाकों को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति है सरकार की उत्तराखंड में। तो अभी हम पहुँचे हैं कोठियार गांव में पहुँचे हैं, और यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर और होगा ऊपर। अभी यहाँ पर थोड़ा ठंड में बैठे हैं हम लोग। रोड की हालत इतनी बेकार है मैं आपको बता नहीं सकता।
एक्सपीरियंस ऐसी रोडों का तभी हो सकता है जब यहाँ कोई देखने आएगा। वैसे तो सब ख्याली पुलाव पकाते हैं, देखो अभी। और यहाँ भी, यहाँ देखिए चाय पत्ती के बगान हैं, नर्सरी जैसी लगा रखी हैं लोगों ने। सूर्य ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर तो क्या सही व्यू आ रहा है यार, फर्स्ट क्लास एकदम। हम लोग पहुंच चुके हैं बारात में, देखिए रोड पे ही है एकदम बारात। इधर खाने पीने का सिस्टम, हम भी अब सीधे खाना खाते हैं। यहाँ आते आते काफ़ी टाइम हो गया, 1:30 बज गए, और धुनियारगढ़ से लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास है ये ऊपर को, और ऊपर को गांव तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि हम सीधे बादलों पे ही पहुंच गए हैं। हेलो, और खाने में लगी हुई है काफ़ी भीड़, इतनी लेट आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद। तहे दिल से इस्तकबाल करता है और स्वागत करता है और आए हुए ये तो निकाल दे इसको। अल्लाह मुर्गा। वक्तों के बाद, इतने अरसों के बाद अभी उनके दर्शन हुए हैं। टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं, हमको आए हुए हो चुका है 3 घंटा पूरा। Thank you.
काफी हो चुका है, अब हम लोग भी निकलते हैं घर को। पहले पानी पीते हैं, अब चलते हैं घर को। पानी पी के अब हम लोग चल रहे हैं घर को। बारात तो होती रहेगी क्योंकि अभी तो जयमाला हुई है, टाइम लग जाएगा इनको, तब तक हम निकल लेते हैं। अच्छी रही शादी, काफ़ी दूर है, मतलब ऐसे जगह जाके थोड़ा ऐसा होता कि नई नई जगह मिल देखने को मिल जाती है। टाइम हो चुका है 4 बजने को आए हम, और धूप भी काफ़ी लगने लगी है, तो हम सोच रहे हैं कि हम निकलते हैं क्या, हम निकल गए हैं वहाँ से। आते टाइम तो हम काफ़ी भर के आए थे गाड़ी में, पर जाते टाइम सवारी बहुत कम है। देखो मैं हूँ, पप्पू भाई हैं हमारे, और अपना सूरी भाई और ड्राइवर साहब भाई। देखो इस कच्ची रोड में भी इनकी गाड़ी इतना खींच रही है, तो ऐसी कोई गाड़ी आपको मिलेगी? पिकअप इनकी गाड़ी का जितना लगा दो, मतलब हम लगा लो आगे, हम बैठे थे इसमें, अगर 60-60 के हिसाब से भी लगाते हैं तो 6 लोग बैठे थे, 300-400 किलो मानो, फिर भी गाड़ी ऐसी चढ़ाई पे ऐसी सही जा रही थी। बोली तो इतना अंदाजा था ही नहीं यार कि इस गाड़ी में ऐसी हो। यार देखो वाह वटा यार, लवली कार यार भरत भाई, मज़ा आ गया भरत भाई। ओ भरत भाई कितने में यार बिकवा दो यार इसके भाई, हमको 3-4 लाख में बिकवा दो यार, मज़ा आ गया भाई की गाड़ी में। सूर्य हवा आनी चाहिए क्या? हाँ बैलना धीरे धीरे भाई धीरे। देखो जी कौच कौच अब हेलना चाहिए क्या हाल लगो ना, जो अभी भी हुन खुले नहीं कहाँ आ रहे हैं, या बहन हवा है देखे हमें ड्राइवर ले चाहिए क्या यूकी ले उड़ानों की हम देख दे धीरे धीरे बोल ना मार कौच पीछे। अरे बोलो और पंखा चलो ना यार, बुलाओ एसी थोड़ी सी एसी कॉलिंग की पता, हॉट एंड कूल वाला सभी मजेदार गाड़ी यार, मजा आ गया भरत भाई एसी में तो यार। सच्ची तो पसीने गेलो हूँ एसी चलो जा फिट ये को एसी चला जा ये गरम वाले एसी तो नहीं है भरत भाई, हवा तो यार तुम बंद कर दे हवा, ये एसी लगा यार काफी मजा आया। अभी भरत भाई कॉमेडी बहुत अच्छी करता है यार, और हम उतरते हुए थे बाहर हुए ऑडी में से। सूरी भाई के लिए आज हम गांव गांव में चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसी के लिए। गांव ही गांव है, हाँ गांव का नाम गांव ही। हम यहाँ देखते हैं वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं। ये खजर तेरे को लाए नहीं आया अरे फोन। हमें बाद मिली हमको सूरी भाई के लिए दवाई, और हम निकलते हैं। गाड़ी की स्पीड देख लो भाई, 120 के पार है। हल्ले 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 हल्ले। तो काफ़ी टाइम लगा हमको उधर गुनार घाट के थोड़ा पीछे। हाय मेलचोरी से सवारी, देखो कितने सवारी बैठे हुए हैं गाड़ी पे। सर तो है लिखा कौन। तो बारात से हम लोग आ गए थे वापस पांडव काल में, तो भरत को वहाँ पे एक बुकिंग मिली टटल गांव की, रामपुर की थी वो। तो भरत दुकान में कुछ काम कर रहा था, उसने कहा मेरे को तू जा, तो मैं आया हूँ टटल गांव, और रात मेरे को यहीं हो गई है। और इतनी चढ़ाई है ना इस रोड पे, मैं बता नहीं सकता आपको, काफ़ी ख़तरनाक चढ़ाई भी कह सकते हैं। गाड़ी लेके पांडव काल भी जाना है भरत को लेने, तो अभी चलते हैं फटाफट। तो हम लोग अभी आ रहे हैं पांडव काल से, देखिए सूरी भाई अपना गाड़ी चला रहे हैं आराम से, सही एकदम बढ़िया। अभी जाएंगे हम थोड़ा बारात में,
खाना वाना खा के फिर चल देंगे घर को। अरे कोई बात नहीं यार भाई, पहले फूल खा। तो बारात खत्म होती हुई हम लोगों ने भी खाना खा लिया, सभी लोग चले गए अपने घर। हम ही दो चार लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी अब जाते हैं घर को। यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।